अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं साथियों आप लोग? मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जैसे आप लोगों ने टाइटल देखकर पढ़ ही लिया होगा, मुझे तो भाई जहेज चाहिए है। बेटे की शादी हो, भाई की शादी हो, मेरी बहू हो, मेरी भाभी हो, भर भर के जहेज लाए तो ही मज़ा आएगा। तो नहीं नहीं ये मेरी डिमांड नहीं है और हरगिज़ भी मुझे जहेज नहीं चाहिए है। मैं तो एक उस पर बात कर रही हूँ कि अभी दो दिन पहले मेरी नज़र से गुज़रा टीवी प्रोग्राम एक, जिस पर बहस हो रही थी कि इमरान ख़ान साहब ने कोई लॉ पास किया है या होने वाला है कि जहेज़ पर पाबंदी लगनी चाहिए और मैक्सिमम 4 लाख तक का जहेज़ देना चाहिए या 4 लाख में पूरी शादी करना चाहिए, इस तरह की कोई न्यूज़ आ रही थी, जिसमें वो रिपोर्टर साहब जो थे वो बाहर जाके मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय ले रहे थे और मुख्तलिफ लोग जो थे, ख़वातीन हज़रात, अपनी अपनी राय दे रहे थे, उसमें अपना अपना ओपिनियन बता रहे थे कि लोग बहुत खुश थे कि नहीं ये अच्छा हुआ है। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतना ज़्यादा जहेज़ देना या इतनी महंगी शादियाँ करना, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है। मगर ये बात तो अच्छी लगी बहुत सारे लोगों को, मगर मैं उस वक्त शॉक्ड हो गई, यकीन करें साथियों, जब मैं एक लड़के से उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि ये वाला लॉ आ गया है तो ये कैसा है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो उस लड़के ने ये कहा कि नहीं, हमें तो ये लॉ अच्छा नहीं लगा, हमें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आई बात, हमने भी तो अपनी बहन की शादी की और हमने अपनी बहन को जहेज दिया, तो अब जब मेरा वक्त आया है तो ये पाबंदी लग गई, तो ऐसा क्यों है, मुझे भी, मैंने जहेज दिया है तो मुझे भी जहेज चाहिए। तो मैं उसकी इस बात पे इतना हैरान हुई हूँ, यकीन करें इतना हैरान हुई हूँ कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी इस पे कुछ बात करूँ, और इसी वजह से मैंने आज का अपनी वीडियो का ये टॉपिक रखा है कि जहेज़ के ऊपर जो पाबंदी लगी है तो जहाँ बेचारे लोग खुश हो रहे हैं वहाँ इस तरह के लालची तबीयत के लोग जो है उनको ये स्टेप अच्छा नहीं लग रहा है। उनका तो ये है कि हमने दिया है तो हमें भी मिले, तो बजाय इसके कि वो ये सोचे कि हमने कितनी मुश्किल से अपनी बहन की शादी की होगी और चलो अच्छा है कि ये अब एक चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उसने तो ये कहा कि नहीं मैंने तो लेना है। तो मैं तो फिर यही सोच रही थी, हम घर में भी यही बात कर रहे थे कि कोई कितनी ही क्यों पाबंदी क्यों ना लगा दे, कितनी ही कोई लॉ पास हो जाए, कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक आपकी ज़हनियत नहीं बदलेगी, मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कुछ फ़ायदा हो सकेगा। फिर इस पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिन्होंने हर सूरत देना ही देना होता है, फिर वो दूसरे तरीक़ों से देते हैं, ऊपर से दिखाने के लिए उन्होंने कम दिया मगर अंदर से भर रहे हैं वो दूल्हा वालों को, और खूब दिया जा रहा है और लेने वाले ले भी रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह की पाबंदियाँ, इस तरह के कानून किस हद तक जो हैं वो लोगों के फ़ायदे में जाएंगे। और फिर ये होगा कि जब जो बेचारे लोग नहीं दे सकते और फिर वो कानून को फॉलो करते हुए अपनी बेटियों को इतना ही जहेज देंगे जितना के अलाव है, तो फिर क्या उनकी बेटियाँ ताने नहीं सुनेंगी कि, और ये भी होता है ना कि किसी ने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा दे दिया इसी लॉ को देखते हुए, उसने उसकी पूरी वो की ही नहीं लॉ की पासदारी, अब किसी की बेटी कम लेके गई जहेज, तो उसको तो फिर ताने मिलेंगे कि नहीं देखो लॉ तो है मगर वो फलां की, मेरे पड़ोसी की जो बहू आई वो तो इतना लेके आई तो तुम लोगों ने तो इतना नहीं दिया। आप लोगों को पता है ना गाइस कि इस तरह की बातें हमारे यहाँ कैसे चुपते हुए जुमले, ताने तिशने और बातों बातों में लोग लगा देते हैं दूसरों को, तो क्या ये सब हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। इसके लिए जहनों को बदलने की ज़रूरत है और उस जहन एक रात में नहीं बदलते हैं, मेरा तो ये ख्याल है सालों लग जाते हैं। अगर ये आज से ये सिलसिला शुरू करेंगे और इसको सब फॉलो करेंगे तो शायद 10 साल के बाद या 20 साल के बाद हमारे बच्चे, हमारे ख़वातीन, लड़कियां, लड़कों के ये माइंडसेट होगा फिर कि हाँ हमें जहेज़ नहीं लेने हैं। मगर ये कानून बना देने से और इसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतना इम्प्लीमेंट इतनी जल्दी होगा, और खुश होने वाले बेचारे लोग खुश भी हो रहे हैं। और आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का जो लॉ पास हुआ है ये किस हद तक कामयाबी की तरफ जाएगा। तो
और क्या इसमें लोगों का फायदा है या लोग नुकसान में जा रहे हैं। तो बस मेरा दिल चाह रहा था मैं भी आप लोगों से बात करूं, स्पेशली उस लड़के की बात तो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ, कितने मज़े से उसने कह दिया। और अब ये भी है कि जहेज की भी कोई लिमिट नहीं रही है, गाड़ी भी दे दो तो वो भी कम है, तो हवाई जहाज़ भी दे दो तो वो भी कम है, और बड़ी बड़ी चीज़ें दी जाती हैं जहेज में, घर दिए जाते हैं, फुल फर्निश्ड करके दिए जाते हैं, और पता नहीं कितनी प्लॉट्स प्रॉपर्टी क्या कुछ नाम किया जाता है, और ये समझा जाता है कि ये बेटी लेके जाएगी तो उसकी ज़िंदगी की, खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत होगी। मगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा हो रहा होता तो हर पैसे वाले की बेटी जो है वो आज बसी हुई होती और हर गरीब की बेटी जो है वो ठुड्डे खा रही होती। मगर ऐसा नहीं है, गरीबों की बेटियां भी खुशहाल रह रही हैं और अमीरों के घरों में भी तलाकें हो रही हैं और मसले मसाइल हैं। तो अंदाज़ा ये होता है कि चीज़ों को दे देने से आपकी बेटी जो है वो खुश नहीं रहेगी। आपकी बेटी की खुश रहने का ताल्लुक आपकी तरबियत पे भी है कि आपने कैसी तरबियत की है बेटी की। बहरहाल बात क्योंकि जहेज पे है तो मैंने तो अपनी राय आप लोगों को दी है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या कहते हैं आप लोग, जहेज वाकई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कम हो अपनी हैसियत के मुताबिक हो, इसमें क्या राय है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपना कमेंट मुझे देंगे। मेरा तो ये है कि देखिए पाबंदी जो उन्होंने लगाई है ठीक है, वो ज़रूर अच्छी बात है वो, मगर ये है कि अगर हल्का फुल्का कोई अपनी बेटी को दे रहा है, बहुत आराम से कोई अगर अफोर्ड कर सकता है तो वो दे दे, मगर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि लोग प्रेशराइज हो जाएं, प्रेशर में आ जाएं नफ्सियाती तौर पे भी और वैसे भी कि नहीं हमने देना है, हमने नहीं दिया तो पता नहीं क्या होगा। लड़कियां भी अंडर प्रेशर और ससुराल में जाके भी वो बेचारी अपने आप को महसूस करती होंगी कि हम किसी प्रेशर में हैं, हमारे पे कोई दबाव है, हम जहेज नहीं लाए तो पता नहीं हमने क्या कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए और बहुत ही तकलीफ दे ये सिचुएशन हो जाती है, बहुत जो लोग इससे गुजरते हैं ये वही जानते होंगे। तो बस मुझे दिल चाह रहा था आपसे बात करूं और मुझे जो था यही अच्छा लगा कि मैं जो है जहेज के टॉपिक पे थोड़ी सी अपनी आपको वो दूं कि मैं क्या सोचती हूं इस बारे में। तो आप लोग भी ज़रूर अपना बताइएगा कि आप लोग क्या कहते हैं, घर देना चाहिए जहेज में, गाड़ी देना चाहिए या दूसरी चीज़ें जो दूसरा सामान होता है, किस हद तक उसको हम अपनी बेटियों को दे सकते हैं और किस हद तक हम अपने घरों में बेटों की जब बहुएं लेके आते हैं तो किस हद तक हम मांग सकते हैं। मांगना तो चाहिए ही नहीं, ये मांगने वाली चीज़ ही नहीं है और मांगने से इंसान गिरता है और बहुत ही गलत किस्म के लोग होते हैं जो ये हरकतें करते हैं। बहरहाल आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।